दस्तक होने के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यही नहीं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी बारिश की वजह से जैम जैसे हालात बन गए हैं, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसके चलते जो रोड पर विजिबिलिटी है वो काफी कम हो गई है। मैं मौजूद हूँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है। अगर आप देखेंगे गाड़ी के कांच के ऊपर तो कितनी कम विजिबिलिटी है, क्योंकि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे हैं, यानी मूसलाधार जो बारिश है वो लगातार जारी है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम है। जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं वो या तो पार्किंग लाइट जलाकर चल रही हैं और या फिर आप फ्रंट लाइट जो गाड़ी की है उसको चलाकर चल रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है जो बारिश की गति है वो काफ़ी तेज हो रही है, और जिसके चलते जो विजिबिलिटी का कम होने के चलते दुर्घटना का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान जो है अगर विजिबिलिटी कम होगी तो कई बार जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है उसे सामने वाली गाड़ी जो है वो नज़र नहीं आती है, इसके चलते जो है दुर्घटना के आसार लगातार बने रहते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं रोड के दिखाऊं तो जो गाड़ियां हैं, जो दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, वो भी लाइट्स जो फ्रंट लाइट है वो जला कर चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश लगातार तेज होती जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो गाड़ियां हैं, चाहे बड़ी छोटी, तमाम जो गाड़ियां हैं वो जो है जो फ्रंट लाइट है उसको जलाकर चल रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में इस वक्त कितनी कम विजिबिलिटी है। और पारस अंधेरी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पारस, विजिबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले 2-3 दिनों तक होने वाली है, खासतौर पर उन वाहनों के लिए जो इस बारिश में सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन प्रशासन की एक्टिवनेस की वजह से ये दिक्कतें कम हो सकती हैं। उसके लिए क्या क्या कुछ हो रहा है? एक तरफ जो है अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरीके से शुरू की गई है, वहीं कुछ प्रतिशत दफ्तर भी खोल दिए गए हैं, बाकी चीज़ों में भी रियायत दी गई है, उसी के अंतर्गत लोग अब घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। वहीं जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, हमने लोगों की भीड़ पहले भी देखी थी, उसी के तहत लोग जो हैं आज भी बाहर निकले थे। आज बाहर निकलने के बाद सुबह जिस तरीके से बारिश जिस तेज़ी से हो रही थी, लोगों को विजिबिलिटी का बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगा था। हमने हाईवे की रिपोर्ट देखी दिवाकर सिंह की, तब भी हम वही देख रहे थे कि किस तरीके से विजिबिलिटी कम है, वो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय होने वाला है आने वाले 2 दिनों में। एक तरफ तेज बारिश और एक तरफ विजिबिलिटी कम, उसके कारण जो है सड़क हादसे भी बढ़ सकते हैं। प्रशासन को इसका हल निकालना पड़ेगा, मगर जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, काफी सारे दफ्तर खोल दिए गए हैं, काफी सारी चीजों में रियायत दी गई है, लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू करेंगे, और अगर इसी तरह बारिश होती रही आने वाले 2 दिनों में तो ये प्रशासन और लोगों की दोनों की चिंताएं जो है काफी बढ़ा सकती है। बिल्कुल पारस, और मुंबई की कांदिवली की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मॉनसून वहां पर लगातार जमकर बरसा है, भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है, हाईवे पर पानी भरने से जाम लग गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, मौसम विभाग ने 12 जून तक इसी तरह भारी बारिश का अनुमान जताया है। बीती रात से पूरे मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते पूरे मुंबई में लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पूरे मुंबई में बारिश की आशंकाएं तेज हैं। वहीं सुबह से हो रही बारिश के कारण मुंबईकरों की दिक्कत बढ़ गई है। हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हैं, जहाँ पे आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये जो कतार आप देख रहे हैं गाड़ियों की, वो कतार 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है। अमूमन सुबह के वक्त मुंबई में ट्रैफिक होता है, मगर आज का जो ट्रैफिक है उसकी तस्वीरें एकदम अलग हैं। ये लगातार मूसलाधार बारिश जो कल रात से चल रही है उसी के कारण ये पूरा ट्रैफिक लगा है। ये कम से कम 1 घंटे का ट्रैफिक है, जिसकी वजह से मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एक तरफ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसकी वजह से दफ्तर जो है वो खुल गए हैं 50%, मगर जो बारिश हो रही है उसके चलते जिस तरीके से ट्रैफिक लगा है, ये ट्रैफिक 1 से 1.5 घंटे का ट्रैफिक है। ये कतारें जो है आप देख रहे हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर तक कतारें हैं। लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है और लोगों को मजबूर कर दिया है घंटों तक ट्रैफिक में अटकने के लिए।
कैमरामैन सुमंगल के साथ पारस दामा, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। तो आने वाले 2-3 दिन तो समझ लीजिए कि इसी तरह से सड़कों पर जैम की स्थिति लगने वाली है। भारी बारिश की वजह से किंग्स सर्कल पर भी काफी पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही कहीं ना कहीं मुंबईकरों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही है, उसकी वजह से साफ तौर पे देखें आलम क्या है, गाड़ियों को धक्का देकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है वो पहुंचाना पड़ रहा है, क्योंकि कई गाड़ियां बरसात में फंसने की वजह से बंद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ ये डेंजर जोन का इलाका है, ये डेंजर जोन का इलाका जो है वहां पर लगातार जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं, साथ ही साथ सड़कें हैं, वहां पर जल जमाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में वहां पर ड्रेनेज खोले गए हैं, पानी का निकास हो सके, पानी जो है वो कम उसका स्तर हो सके। लेकिन जिस तरह से बरसात बढ़ रही है, उसने मुसीबतें ऐसी बढ़ाई हैं कि ड्रेनेज खोलने के जाने के बावजूद भी सड़कों से पानी का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा। साफ तौर पर देखें गाड़ियां किस तरह से डूब कर बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं कहा जाएगा, क्योंकि सड़कें गायब हैं। चारों तरफ जो मूसलाधार बरसात है, उसके पानी की वजह से एक तरह से नदी जैसा माहौल साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। मानसून की ये पहली बरसात है और स्थितियां साफ तौर पे जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी कि किस तरह से गंभीर है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, सरकारी दफ्तर खोले गए थे 50% के अनुमति के साथ, जो है प्राइवेट ऑफिसर्स खोले गए थे, लेकिन वो सारे जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी वो पूरी तरह से ठप है। गाड़ियां देखें, उस गाड़ी को भी निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और साउथ मुंबई में भी मॉनसून की जोरदार बारिश हो रही है। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के पास तो इतना ज्यादा पानी भर गया है कि उसमें गाड़ियां डूबी नजर आई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रिज कैंडी, जो साउथ मुंबई में है, और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे पानी भर चुका है। इतना ही नहीं कि पूरा जो फुटपाथ है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ये इनफैक्ट जो साउथ मुंबई के एरिया में है, ज़्यादातर बारिश के दिनों में यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा है, लेकिन इस साल जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भर चुका है। यहाँ से बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो पर्टिकुलरली जो 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स हैं उनके लिए हो रहा है। और IMD का ये दावा है कि ऐसी अगर तेज़ बारिश कंटिन्यू होती रहेगी तो लोगों ने मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेना चाहिए, और 12 तारीख तक ऐसी तेज़ बारिश मुंबई में होती रहेगी। और मुंबई में सायन और कुर्ला स्टेशनों के बीच पानी भरने के बाद CST और कुर्ला के बीच लोकल सेवा को रोक दिया गया है। आगे भी भारी बारिश की आशंका के बीच रेलवे ने भी सभी रिलीफ ट्रेनों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। ट्रैक पर पानी भरने के हालात होने पर उससे निपटने और लोकल सेवा को सही से चलाने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। और उधर मुंबई में भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, जबकि सड़क पर पानी में गाड़ियां डूबी दिखी हैं। कई जगह ट्रैफिक जाम भी लग गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस जुड़े हुए हैं। पारस, ये स्थितियां बहुत मुश्किल भरी इसलिए हैं क्योंकि आज की ये स्थिति नहीं है, आने वाले 12 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में जो रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, किस तरह से लोकल में सफर करने वालों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेंगी? गनीमत है कि कोरोना की वजह से लोकल सिर्फ उन लोगों के लिए अलाउड है जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं। हर साल हम देखते हैं कि जिस तरह जब बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तब रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर जाता है, उसकी वजह से लोकल ट्रेनों को सस्पेंड करना पड़ता है। और लोकल ट्रेनों को सस्पेंड करने के बाद काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन में ही फंसे रह जाते हैं। उसके कारण या तो लोग पैदल ही घर जाने का निर्णय लेते हैं या ट्रेन में ही घंटों तक फंसे रह जाते हैं। मगर जिस तरीके के आज मुंबई के हालात हैं वो बेहद चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। एक तरफ रेलवे की कई लाइंस हैं जहां पे पूरे जो रेलवे हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ट्रेन्स को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में 9 से लेकर 12 तक के मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था के ये दिन जो है क्रूशल रहने वाले हैं, मुंबई में भारी बारिश होने की पूरी आशंका है। उस बीच मुंबईकरों ने आज जिस तरीके की स्थिति बनी, सुबह जाम में अटके मुंबईकर, उसके बाद जिस तरीके से जल जमाव हुआ वहां अटके, सुकून की बात मुंबईकर के लिए अभी ये है कि बारिश जो है थोड़ी सी थमी है, थोड़ी सी कम हुई है, मगर आने वाले 48 घंटे मुंबई के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि 48 घंटों में भारी बारिश होने की आशंका पूरी तरीके से जताई जा रही है। लगातार ये तस्वीरें दिखाने के लिए हम आगे भी आपके